स्वागत। वेलकम सर, वेलकम टू माय हाउस सर, सॉरी योर हाउस। वेलकम मैडम। तुम क्या? ये कौन? ये इस घर का मालिक है, ये भी हमारे साथ यहीं रहेगा। वो चनिया मनिया को भी लाओ। ये किसके घर ले जा रहे हैं हमें? अरे किसी के भी घर ले जाए, हमारे बाप का क्या जाता है, हमें तो मुफ्त की रोटियां तोड़नी है। ये क्या, तेरे पापा भी आ रहे हैं? राज से पर्दा हट गया तो? पीटर, अगर वो राज से पर्दा हटाएंगे तो हम दूसरा पर्दा डाल देंगे। वेलकम वेलकम, प्यार की झप्पी। ये सब क्या है पप्पी? वेलकम जादू की झप्पी। अरे ये झप्पी तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। अब आप ये मत कहना कि आप कटरीना और सनी से रोज मिलते हैं। आइए आइए, अंदर आइए। पहली बार ससुराल आई हो, दाएं पैर से एंट्री मारना। आजा आजा, बहुत अच्छा। पीछे आओ ना। ये घर मेरे पापा को लॉटरी में मिला है और इंटीरियर सट्टे के पैसों से हुआ। आवाज सुनी सुनी लग रही है। अरे कर क्या रहे हो? लगता है इनके कान पे पट्टी बंधी, इसलिए ठीक से सुन नहीं पा रहे। अभी तो सिर्फ कनपट्टी पे पट्टी है, सालों को इतने फटके पड़ेंगे कि पूरी बॉडी की पान पट्टी बन जाएगी। शुभ वास्तु वाले घर में अशुभ बातें क्यों? इस टॉपिक को छोड़िए, आगे बढ़िए। आवाज हट हट, लेडीज फर्स्ट। सिप्पी, धक्का क्यों मारा उसे? पर हम तो नजर बंद है ना, अभी कोई टकराया, कोई लेडी थी क्या? ए बंटी। हाँ भाई। इन्हें किसी अंधेरे कमरे में रखना। ठीक है भाई। अरे लाइट चली गई। सिप्पी, लाइट चली गई है, यही सही मौका है, यहाँ से भाग चलते हैं। चलो चलो चल चल चल। अरे यहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर ही दूर है, मतलब तुम्हारा घर भी नजदीक, मेरा भी। ठीक है, अब तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओ, मैं पैदल हैदराबाद चला जाऊंगा। अरे रुको रुको, इतनी दूर आ गए हो तो अब मेरे घर भी चलो। क्यों, शादी है क्या? नहीं, नहीं मैं जा रहा हूँ। अरे घर चलकर खाना खाओ, रात को आराम करो और सुबह फिर चले जाओ। और ये मिलेगी। पप्पी, ना लाइट है ना मैप है, फिर भी सीधे अपने घर पहुँच गए। शेर को गुफा में पहुँचने के लिए लाइट और मैप की जरूरत नहीं होती। सही बोला। इस वक्त बाबजी का चेहरा देखने लायक होगा। चुप करो, हम अपनी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस मवाली का नाम मत लो। तार की तरह लंबा है लेकिन अकल घुटने में है, इसलिए हमने उसको उल्लू बनाया। सॉरी 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 सर, नाउ लेट्स सेलिब्रेट आवर सक्सेस। हमारी जोड़ी जयवीर की तरह हिट है। Yes. तुम यही रुको, मैं तंदूरी चिकन और कीमा फ्राई बनवाने का ऑर्डर देता हूँ और पहनने के लिए लुंगी भी लाता हूँ। रुको मिस्टर सिपी, लपेट ले। लाइट गलत टाइम पे आ रही है। तुमने तंदूरी चिकन और कीमा फ्राई का ऑर्डर दिया है ना? भूल सकता हूँ क्या? ये किसके घर ले आए हो हमें? इस काले सांड को किसी के भी घर में कभी भी घुसने का पासपोर्ट या वीजा मिला है क्या? मैं भी यही सोच के ये बताओ, भाग के वापस क्यों आए? हम दोनों कहीं नहीं भागे सर, वो लाइट चली गई थी ना, इसलिए मोमबत्तियां लाने गए थे बाजार से। गलती से पहुंच गए हाईवे। गलती से आप ही गए? गलती हो गई या रास्ता भटक गए? हमारा भाग भागने से दूर भागता है सर। ए, तेरा बेटा मिलने तक तुम दोनों ने भागने की कोशिश की तो दोनों के सर कटवा दूंगा। हमने किसी और की फोटो ली और उसे इसका बेटा बना दिया, लेकिन आपने पकड़ लिया फौरन। अगर हम ऐसे किसी राह चलते आदमी को इसका बेटा बना देंगे तो। सर, मन में एक डाउट है सर, अगर वो इसका बेटा है कहूंगा तो आप क्या करेंगे सर? दोनों का सर कटवा कर सिगड़ी में डाल दूंगा। सच बोलूं या झूठ, ये तो मेरा सर काटने पे तुला है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन सच तो ये है कि आप इसी आदमी की तलाश कर रहे हैं और यही इसका बेटा है। अबे लुच्चे टुच्चे, ये तो क्या बकवास कर रहा है? मैं इनकी औलाद कैसे हो सकता हूँ? कहाँ इनकी हाइट, कहाँ मेरी हाइट? ये टिंगू मेरा बाप कैसे हो सकता है? सिर्फ हाइट की बात पर क्यों अटक गए हो? जया बच्चन की हाइट कम पर अभिषेक बच्चन लंबा है, क्या वो दोनों माँ बेटे नहीं है? ये बनकर तेरी बकवास कब से देख रहा हूँ? सर का घर अपवित्र था इसलिए यहाँ है। कल को आप सर को मेरा साला बना दोगे? बकवास बंद करो। सर आप इन्हें शक की नजर से मत देखिए, चल मेरी फैमिली फोटो देखने चल। मुझे नहीं देखनी। अरे तू क्या मेरा बाप भी देखेगा? नाड़ा खींच। ये मैं हूँ, ये मेरा बाप, ये दादा। इसमें तुम्हारी माँ क्यों नहीं है? माँ ने ही फोटो खींचा है। सर ये तो ये कोई फिल्म नहीं जो ट्रिपल रोल हो। ए, तुम दोनों झूठे नंबर वन हो, फोटो झूठी नहीं हो सकती, तुम दोनों को। चले दीजिए सर, बूढ़ा सठिया गया है, साले धरती पर बोझ है, इसको घर के काम दे दो ना, नौकर की कमी। बर्तन मांजो, चलो। हर बात पर अंदर फिकवा देता है। ये क्या ड्रामा चल रहा है? तुम इन लोगों को इस घर में क्यों लेकर आए हो?
पापा, मैं चंदू को आपकी बहू बनाना चाहता हूँ। पापा, आप मेरी सेटिंग से अपसेट हैं? नहीं बेटा, प्रेम तो एक तपस्या है, लेकिन अगर बाप जी को पता चला तो तुम दोनों की ये तपस्या भंग हो जाएगी। वो पहले से ही उस आदमी पर गुस्सा है जिसने उसकी बहन को भगाया। अगर उसे पता चला कि वो तुम ही हो तो? सही वक्त आने पर मैं बाप जी को बता दूंगा, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। लेकिन बेटा, अगर ये बताइए कि आपको मेरी पसंद कैसी लगी? LED लाइट लेकर घूमेंगे तो भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। मुझे अच्छी लगी बेटा। थैंक यू पापा। पप्पी, पप्पी, हाँ आ रहा हूँ सिप्पे। चलो चलो अंदर। ये सब क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तुमसे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए तुम्हें यहाँ शिफ्ट किया। तुम्हारे भैया मुझसे बदला लेना चाहते हैं, देखना वो बहुत जल्द हमें आशीर्वाद देंगे। फिलहाल तो तुम कुछ दिनों के लिए आई हो, बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाऊंगा। बनोगी ना? अरे वेंकी, अरे बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा यार। पंडित जी, जैसा आपने कहा था वैसा वास्तु वाला घर मैंने ढूंढ लिया है, अब सब कुछ अच्छा होना चाहिए। बाप जी, जो ट्री दिन में ऑक्सीजन देता है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना, वैसे ही वास्तु वाला घर भी कभी कभी देरी से रिजल्ट देता है। ए, इतना बड़ा पेट लेकर यहाँ पर क्यों खड़े हो? वहाँ जाओ, चलो गो। झमाल घोटा देना पड़ेगा। पंडित जी, अब इस घर से मेरी बहन विदा हो जाएगी ना? जब शादी होगी वो यहीं रहेगी। क्या कहा तूने? शादी के लिए उसका यहीं रुकना जरूरी है, इतना टेंशन क्यों लेते हो ब्रो? दुल्हन यहीं पर है, दूल्हा भी यहीं पर है। दूल्हा? अरे पंडित जी, दूल्हा मैं नहीं हूँ, ये हैंडसम है। मेरी सिस्टर होती तो इस हैंडसम से शादी करवाता, इसका फेस वास्तु ठीक नहीं है। आपकी सिस्टर हीरोइन जैसी है, उसके लिए ऐसा हीरो चाहिए, इसका फेस वास्तु परफेक्ट है। पंडित जी, अपनी बकवास बंद करो और मेरी बहन की सगाई का कोई शुभ मुहूर्त निकालो। इस महीने की 9th को एक वेरी गुड मुहूर्त है, उसी दिन एंगेजमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया पंडित जी। थैंक यू। मैं हूं ना? मैं भी यही हूँ, देखता हूँ कैसे शादी करता है। भाई भाई, हमें खबर मिली है कि केशव रेड्डी हम पर हमला करने का प्लान बना रहा है, शादी तक हमें बहुत ही ज्यादा होशियार रहना पड़ेगा। ए, जो डर गया समझो मर गया, मेरे साथ रह के कभी डरना मत। सर, आपके पास ना डर है ना दिमाग। हाथ तोड़ के रख दूंगा। घर में बकरा हो तो आदमी मटन खरीदने बाजार क्यों जाएगा कभी? अबे ओए, बात को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमा, पॉइंट पे आ। सर, ये पप्पी यादव की फैमिली DDLJ फैमिली की तरह है, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत सेंटिमेंटल है। अगर उसकी बीवी को यहाँ बुला के उसके सामने घुमा के चाटा मारे तो सच अपने आप उगल देगा और मेरा भी 15 अगस्त हो जाएगा। कमीने सिप्पी, तू मुझसे पंगा लेगा? तेरे आइडिया में दम है? 55 से 55 तक सर। बंटी भाई, पापा राव की बीवी को उठा कर लाना और सिप्पी की भी। अगर वो नहीं बोला तो कम से कम तू तो मुंह खोलेगा। मैं तो अब तक कमा रहा हूँ सर। लेकिन सर, If you don't mind, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के मेरी भी शादी करवा दीजिए, मैं दहेज में खुद जाने को तैयार हूँ सर। चल अब निकल। संतोष, हाँ भाई, बापा राव की बीवी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। ठीक है। सब तैयार है? 1, 2, 3, 4 1, 2 Stretch, stretch your arms. All right. Okay, फिर से करेंगे। 1, 2, 1 कौन है? 2 सिप्पी की बेटी है क्या? उसकी इकलौती बीवी है। क्या? बीवी है? ए, पानी मार। Done for the day. You can go. ये तो कटीली सेक्सी नागिन है और वो हटेला काला सपेरा। बीन कैसे बचती होगी यार? अबे घनचक्कर, उस बुढ़े की बीन पिचक गई है, इसलिए तो ये यहाँ थिरक रही है। इसे नई बीन की तलाश है। क्या मैं मिस्टर बीन बन जाऊं? एक्सक्यूज मी। क्या चाहिए सेक्सी? आपके सहयोग के 2 मिनट चाहिए। ले लो। माय नेम इज वेंकी। मैं हमसा सिप्पी हूँ। नाइस नेम। प्लीज चौंकना मत, आपका सिप्पी सपेरा मुसीबत में है। मेरा सिप्पी टपक तो नहीं गया, अब मैं क्या करूँ? जैसा कहूँ वैसा करो। कोई खास खबर पप्पी?
बेजान विस्की वाला के भविष्य का कॉलम पढ़ रहा अच्छा था। अच्छा या बुरा? 100% अच्छा ही होने वाला है। मेरी जिंदगी में 25 साल की कन्या आएगी जो मेरी लाइफ में बाहर ना आएगी। मेरी जिंदगी में सब कुछ नया नया ही होगा। इस बुढ़ापे में नई चीज का आचार डालोगे? अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हें नहीं लगने लगेगी। कहाँ हो जी? मेरी बीवी यहाँ कैसे पहुँच गई? जानू मैं आ गई। दो मसाला दूसरे साथ में चटनी। जानू आप ठीक हो ना? तुम तो गोलगप्पे की तरह हुआ करते थे, ये पिचक के पापड़ी कैसे बन गए? कौन है ये? उसकी बीवी है भाई, हमारे लड़के लेकर आए हैं। आई मिस यू दा। ये क्या कर रही हैं आप? हैं कौन? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ पे ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? कैसा ड्रामा सर? ये तुम्हारी बीवी है, मैं जानता हूँ। मेरी बीवी? देखिए सर, मैं टेंशन में था इसलिए अपनी बीवी को भी नहीं पहचान पाया। तुम अचानक इतनी पतली कैसे हो गई और रंग भी काला पड़ गया है? सर की तरह नाक खोल क्यों कर रहे हो? सर जी, कहाँ है बदसूरत बूढ़ा बौना और कहाँ है कमसिन कुमारी कली? आप जैसा गधा ही इन्हें हस्बैंड वाइफ कहेगा। सही कहा। ये सिप्पी मेरा प्लान चौपट कर देगा, मुझे ही कुछ करना होगा। ये तो क्या इतना हल्ला बोल कर रहे हो? क्या कंफ्यूजन है? ये इनकी थर्ड वाइफ है। शी इज माय लविंग वाइफ। कमसिन और जवान औरत का बेटा इतना बड़ा और लंबा कैसे? इस थर की बुढ़े को जवानी में हर औरत ने रिजेक्ट किया। इसकी नीयत शुरू से ही गंदी थी। या तो ये खुद गधा है या आपको गधा समझ रहा है। हो सकता है इनका बेटा पहली पत्नी का आउटपुट हो। वही ना। हाँ, ये पहली वाइफ से है और मैं इसे बेटे की तरह प्यार करती हूँ। मुझे सच सच बता कि इसका बेटा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अगर वो मिल जाए तो मेरी बहन भी मिल जाएगी। बता कहाँ है वो? मैं नहीं बताऊंगी। बता। सर सर, इसे मत मारिए, कली मुरझा जाएगी। वाइफ को मारने पर वो सब सच उगल देगा, तूने ही कहा था ना। वाइफ आखिर वाइफ होती है, चाहे किसी की भी हो। खामोश, बकवास बंद। सुनिए, ये सब मैं आप ही के लिए कर रही हूँ, मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए। आई लव यू। बोल कहाँ है वो? जवाब दे। बोल। सर सर, औरतों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, बात करके मसला सुलझा लीजिए ना। संतोष। हाँ भाई। मैं इन दोनों को 2 घंटे का वक्त देता हूँ, दोनों को एक कमरे में बंद करके सच बोलने को मजबूर कर दो। सर, दोनों को एक ही कमरे में क्यों बंद कर रहे हैं? दोनों अलग अलग कमरे में रहकर भी इस बारे में सोच सकते हैं। ये तेरी बीवी है जो तू इतना टेंशन ले रहा है? जब तक ये उस लड़के का पता नहीं बताती तब तक ये इसी के कमरे में रहेगी। ले जाओ इसे। चल चल रे। क्या ये भी तेरा प्लान था? अच्छा लगा क्या रे? मेरी बीवी के बारे में गूगल सर्च मारा क्या? फेसबुक फ्रेंड्स हैं हम। मेरे अंदर सोए हुए जानवर को मत जगाओ जानी। चूहे के जागने से शेर को फर्क नहीं पड़ता। सिप्पी, पप्पी की बीवी चिकनी चमेली से भी ज्यादा चिकनी लगती है। जी करता है उसे स्विट्जरलैंड या शिमला लेके चलो। हमेशा ऊपर से देखा करो उसे। वहां से भी बॉम्ब है। अरे यार, किसी दूसरे की बीवी के बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। तू तो ऐसे नाराज हो रहा है जैसे तेरी पर्सनल बीवी हो। बीवी आखिर बीवी होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ जानू, बहुत दिन से गले नहीं लगाया। अगर किसी ने देख लिया तो? देखता है तो देखने दो। हाँ? आखिर पति बनने वाला हूँ तुम्हारा, अब तुम्हारा सारा बोझा मैं उठाऊंगा। 50 ग्राम वजन ज्यादा लग रहा है। क्या कर रहा है? ससुराल की रोटियां खा के वजन बढ़ रहा है मैडम। ओह माय गॉड, नहीं। शर्म का घूंघट खोलो ना, खोलो ना। ओए पप्पी जप्पी, क्यों घर की पवित्रता को भांग क्यों बना रहे हो? किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन देखेगा? कोई भी। कैसे देखेगा? क्या ककड़ी रेस्ट हो रहा है? अरे ककड़ियाँ खा लो, आंखें खोलो। भरत तुम तो खोलो। सिपी, विक्की ने कहा है चाहे भूकंप भी आ जाए तभी आंखें मत खोलना। आंखें खोल के देखो, भूकंप तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। आपको एंगेजमेंट का फंक्शन है, मुझे अच्छा दिखना है। एंगेजमेंट होगी तो अच्छा दिखोगे ना, जिससे होने वाली है वो तो एंगेज है। तुम्हारी आंखों पर ककड़ी का पर्दा पड़ा है। कहो तो तुम्हारी आंख पर भी रख दो एक ककड़ी। तुम मकड़ी का जाल बुनोगे मेरी आंखों पर ककड़ी रख के? डार्लिंग, कहाँ हो तुम? वाओ, she's sexy. कितनी हॉट है, काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। काश मेरी सगाई से होती, शादी करके सीधा हनीमून पे ले जाऊं। मेरे लिए नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए।
वो तो मैं हूँ। पतिदेव खाइए ना। क्या लगती है? काश में चम्मच होता है। ये बुड्ढा कहाँ फंसा? ए सब अपनी आंखों पर ककड़ियाँ रखो, जल्दी रखो। चंदू, चंदू कहाँ जा रही हो? एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। वैंकी, क्या हो रहा है? देखे ना सर, शाम को इसकी एंगेजमेंट है, सब वहाँ पर फेशियल करवा रहे हैं, लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। लगता है ये शादी से खुश नहीं है। ये फेशियल नहीं करेगी तो भी इसकी सगाई आज ही होगी 100%। चल मेरे साथ। देखा तूने पप्पी, शाम के फंक्शन का फायदा उठाकर कहीं हम दोनों भाग न जाए, इसलिए हमें इस कमरे में कैद कर रखा है। ए हीरो, हाय। Looking hot. नमस्ते हुजूर। चाय कॉफी खा ली? खाना वाना पी लिया? अब मरे हुए का मजाक मत उड़ाओ। दूल्हा कौन है, तुम या वो जोकर? दोनों किस्मत ट्राई करेंगे। हमसा, वेंकी ने तुम्हें पीछे वाले कमरे में बुलाया है। वेंकी ने? वेंकी तो उस तरफ गया है, तुम उसे पीछे वाले कमरे में क्यों बुला रहे हो? अबे सिद्दी की औलाद, वेंकी के बहाने उसे पीछे वाले कमरे में बुला के मैं उसके साथ ढाक के चिकट हां करूंगा। ए, तुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वो तुम्हारी वाइफ के साथ ढाक के चिकी करने वाला है। वो मेरी वाइफ नहीं है, मेरा बेटा भाड़े से लाया है। सर हाँ, आपको एक राज बताऊं सर? वो मेरी वाइफ है।